यहाँ हो रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें मैं बना रही थी बेसन का चीला। इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा चावल का आटा और कस्तूरी मेथी। बस यहाँ पे मैं इसका बैटर बना रही थी और यहाँ पे बन गया था बेसन का चीला एक शिवन्या के लिए। शिवन्या के चीले में मैं प्याज नहीं डालती और साथ में चाय बन रही थी और ये था बाहर का व्यू। और आज मैंने सोचा था कि शिवन्या के इतनी ज़्यादा सैंडल्स थी, इतने शूज़ वगैरह ऐसे ही ना सारे ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको सेटल करके रखा जाए। यहाँ पे हो गए थे सारे सेटल, मैंने थोड़े से निकाल दिए थे जो मैंने किसी को देने थे। तो ये देखो जी, हमारा आया एक और पार्सल। ये आजकल क्या है ना कि सब जगह सेल लग रही है, इसके साथ फ्री नहीं है कुछ पार्सल। थैंक यू। क्या देना है? ये हेयर स्टाइल किसने बनाया आपका ऐसे खराब सा? सारे बाल खराब कर दिए। ये इसने दिया है, आपने क्या? ले बेटू ये उधर रख, दो मिनट। मम्मा मनी भी बाहर कर लेना। पार्सल लेना आपको? अच्छा देना देना भैया, इसको पकड़ाना, ये इसको पकड़ाना। 70 छोटू काउंट करना कितने हैं भैया, ये इसको पकड़ा देना पार्सल। ले लो ले लो ले लो ले लो आपका पार्सल से। थैंक यू भैया। चलो तो गाइस, हमारा आया आज पार्सल। दिखाओ दिखाओ, शिवन्या दिखाएगी। हाँ शिवन्या दिखाएगी, आ जाओ, कम हियर। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? इधर आओ ना। आई होप आप सभी अपने अपने घर पर ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, बट ये मेरा एक पार्सल आया हुआ है। और मेरा दोस्त है, एक वो पीछे से इतने मैसेज कर रहा था, जाओ जाओ खोलो आराम से खोलो। तो भाई ये वाला मेरा पार्सल आया, क्या है ना कि आजकल हर जगह सेल लगी हुई है, ऑफ चल रहा है, तो हमने भी एक सैंडल मंगवाई। मैंने कहा चलो देखते हैं। वैसे मुझे ना ये जाके ही शॉपिंग करना अच्छा लगता है, बिकॉज ऐसे मुझे साइजेस का बड़ा इशू होता है, बट Let's see. Oh my God, हाँ तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बस आ जाए मुझे। Zed, white color. Good boy. Exactly मेरा ही साइज है और मुझे आ गई। ये देखो नाइट सूट के ऊपर व्हाइट सैंडल, बहुत ही सुंदर है यार, कंफर्टेबल भी है और अच्छी भी है, लव्ड इट। तो गाइस बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आप मेकअप ट्यूटोरियल क्यों नहीं शेयर कर रहे हो अभी, तो क्या है ना कि अभी इतना टाइम नहीं है, करूंगी डेफिनेटली करूंगी लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। तो आज अभी सबसे पहले हम करेंगे अपना, मैंने अपना CTM कर लिया, मतलब स्किन को अपना प्रिपेयर कर लिया है और अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया मैंने, अपना फेशियल ऑयल लगा लिया। मॉइस्चराइजर मैं डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ और फेशियल ऑयल मैं, ये मेरा पता नहीं कौन सी बॉटल है, मतलब मैं यही यूज़ करती हूँ रोज़हिप का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अमेजिंग है, मतलब सोना है, सच बोल रही हूँ मैं। तो आज करते हैं अपना नो मेकअप लुक, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं है, क्या पता मेरे मूड का कुछ पता नहीं है, कर लूँ या नहीं करूँ, आई डोंट नो। बट सबसे पहले हम लगाएंगे अपना कंसीलर और okay, मैं आपको बता दूं, अगर आपको करेक्शन करनी होती है ना, अपनी डार्क सर्कल्स को हाइड करना होता ना, तो ये कंसीलर उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, बहुत ही अच्छा है। और गाइस डायरेक्ट ये उठा के फेस पे मत लगाओ, इसके बीच में हल्का सा कंसीलर ऐड करके तब अपने आप डार्क सर्कल पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए अभी, मैं नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यूज करेंगे अपना कंसीलर, जो कि मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि मुझे अभी वो चाहिए। ऐसा होता ना, चीजें कभी नहीं मिलती मुझे टाइम पे अपनी। ओके तो मैं क्या कर रही हूँ, अपना ये वाला कंसीलर जो कि मुझे बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है, मैं यही वाला कंसीलर अप्लाई करूंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अप्लाई करूंगी। मैं सीधे उठा के यहां से ऐसे डॉट डॉट नहीं लगाने वाली हूँ आज मैं गिर गया
मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या, एक सेकंड लगा मुझे सोचने में कि क्या हुआ है। क्या बेटा? वाह, खाना नहीं है इसको, पेट में पेन हो जाएगी बहुत गंदी सी। ओके फाइन, आई थिंक इसको हम पहले कर लेंगे शेक, क्योंकि गर्मी बहुत है, हर एक प्रोडक्ट को शेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो उसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और प्रोडक्ट जो है वो नीचे चला जाता है। शिवना दरवाजा बंद कर दो प्लीज। तो ये मैंने लिया कंसीलर, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपने बैक हैंड पे थोड़ा सा जितना मुझे चाहिए, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है हल्का सा इल्यूमिनेटर। इसको मैंने अच्छे से किया यहाँ पे मिक्स। दरवाजा बंद करो। लुक लुक एट द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सामने विजिबल है, यहां पे देखो और ये देखो। अभी जस्ट मैंने हल्का सा डैब किया और यही भी मैं अपनी आंखों के ऊपर लगाऊंगी, जिससे मुझे आई बेस करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ कंसीलर। और जितना कम हो सके ना उतनी लेयर लगाओ अपने फेस पे, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ। छोटू खेल बेटा इसके साथ, अभी मैं काम कर रही हूं ना। हेलो मुंह कर के लाते ब्यूटीफुल कवरेज, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंसीलर, बट ये है कि अपना शेड देख लेना। सी हाथों की कवरेज देखो, तो बहुत ही अच्छा कंसीलर है यार। डन, ये मैंने कर दिया अपना कंसील जहां जहां मुझे जरूरत थी, डार्क सर्कल पे, नाक के साइड साइड पे और यहाँ पे लिप के यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन के देखा है मैंने, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क एरिया होता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई करेक्शन, जो कि मुझे बिल्कुल बहुत नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ, बट आज आप लोगों को दिखाने के लिए कर देती हूँ कि किस तरह से करती हूँ मैं ये। हमने लेना है कोई भी एक इस तरह का ब्रश, फ्लफी ब्रश, और ये मेरे पास एक है स्टैक एंड स्ले का कॉम्बो है, जिसमें कंटूरिंग भी मिलती है और ब्लशर भी मिल जाता है और साथ ही साथ हाईलाइटर भी मिल जाता है, मतलब अच्छी है, तीनों चीजें अच्छी हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ कंटूर ही करूंगी और मैं आपको बताती हूँ कि करना कैसे है, डिफरेंस आपको सामने विजिबल हो जाएगा। ये मैंने लिया हल्का सा ये, और इसके बाद यहां से शुरू कर रही हूँ आंख के यहां से ये। ये हमने यहाँ पे 3 बना देना, ठीक है? अब देखना इसका डिफरेंस, मतलब देखो शेप तो नहीं बदलेगी, शेप तो जैसी है वैसी रहेगी, बट हल्का सा ना एक शार्पनेस आ जाती है फेस पे ना। इसको मैं करूंगी ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ये वाला करेंगे नीचे की तरफ, ये करेंगे हम ऊपर की तरफ, ये करेंगे हम बैक की तरफ। दिख रही है हाँ यहाँ पे, और ये देखो ये एकदम ऐसे प्लेन दिख रहा है, और यहाँ पे देखो ये आपको कट दिख रहा होगा, पता नहीं मुझे तो दिख रहा है। ये हो गया डन। ये करने के बाद मैं इसको पाउडर कंटूर भी जरूर करती हूँ, लेकिन उससे पहले हम अप्लाई करेंगे अपना ब्लशर। इसको भी मैं इसी तरह से अप्लाई करूंगी यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट करने के बाद।
बहुत प्यारा ब्लशर है, इसका पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है ना, और मुझे ना ज्यादा लालो लाल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है नेचुरल लुक। तो जब भी ब्लशर अप्लाई करो यहाँ पे सी जरूर बनाओ उसका, नहीं तो बहुत ही वाहियात लगेगा, एकदम से अजीब सा ही लगेगा। एंड दिस हो गया, इसको हम अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा और ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, हम लेते हैं अपना पर्पल वाला पैलेट और उसमें ये जो कंटूरिंग वाला है ना, इसको उठा के मैं हल्का सा ये करके, ये झांट के मतलब झाड़ के, इसको मैं जहां पे मैंने कंटूर किया हुआ है वहां पे इस तरह से हल्की सी शेप दे दूं। ये देखो और ये देखो, बहुत डिफरेंस दिखता है यार। गाइस ये देख रहे हो आप, ये देखो यहां पे, ये देखो और ये देखो, मतलब यहाँ पे ना जॉ लाइन ऐसे विजिबल हो जाती है अगर आप कंटूरिंग अच्छे से करोगे तो, और जब भी करो यहां से शुरू करो। मैंने कोई मतलब नहीं किया है कोर्स, बट फिर भी आता है, सीख सीख के आ गया मुझे। ओके विजिबल डिफरेंस है यार, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट आई कैन सी। ओके सेम हम करेंगे यहां पे भी अप्लाई, ये वाली जगह देखो और ये वाली जगह देखो, थोड़ा सा शार्प लुक आ गया। अभी मैंने इसको यहाँ से पाउडर से सेट करना है। यहाँ पे शाम की चाय के साथ हम खा रहे थे फुलबड़ियाँ, क्योंकि ये फुलबड़ियाँ देखो कलरफुल होती है ना, ये शिवन्या को इतनी पसंद आती है ना, क्योंकि कलरफुल होती है, फिर वो अकॉर्डिंग टू कलर सेलेक्ट करती है कि मुझे कौन सी खानी है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि बननी है खीर कल के लिए, कल है हमारे घर में शराद, और ये बन रही यहाँ पे भिंडी। ऐसे भिंडी बनाते ना बहुत टेस्टी बनती है, मतलब बिना प्याज के सिर्फ नमक मिर्ची डालनी है, बहुत अमेजिंग बनती है। और यहाँ पे बन रहे हैं चपाती, यहाँ पे कुनाची अपना। आराम से ओ लग जाएगी बेटा। आराम से। यहाँ पे आ गए थे हमारे घर में गेस्ट, बस गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। तो बस आज इसी के साथ करते हैं व्लॉग को खत्म। ये था आज का व्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल निहाल होत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। और जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना यार, फिर आप बोलते नोटिफिकेशन नहीं आती है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।